है इलेक्ट्रिकल केटल्स। अब चलो एक इलेक्ट्रिकल केटल्स है ये, इसमें कुछ पानी है, ये कुछ वाटर है, उसको हम बॉयल कर रहे हैं। लेट अस बॉयल द वाटर। इलेक्ट्रिकल केटल है, उसको हम वाटर बॉयल कर रहे हैं एंड इट टेक 4 एम्पियर करेंट। करेंट की वैल्यू 4 एम्पियर है ले रहा है एंड पावर जो ले रहा है बोल्ट पावर नहीं बोल्ट जो वोल्टेज वोल्टेज जो है वी की वैल्यू 220 वोल्ट है। ठीक है, कहता है हाउ मच टाइम टेक 1 kg ऑफ वाटर। जो वाटर है, इस वाटर का जो मास है प्यारे बच्चों, वो 1 kg है। अगर 1 kg है और इसका जो टेम्परेचर जो है, इनिशियल टेम्परेचर T1 20 डिग्री सेल्सियस, और T2 जब बॉयल हो जाएगा तो फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक तो पहुंचाना है। तो इसमें कुल मिला के कितना टाइम लगेगा, वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम। आगे क्वेश्चन समझ में। पानी है, उसको बॉयल करना है, टेम्परेचर 20 से 100 डिग्री सेल्सियस करना है, यूजिंग द 4 एम्पियर और इतने वोल्ट की बैटरी से जो भी है करंट 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और मास 1 kg दिया हुआ है। तो इसमें हमें कितना टाइम लगेगा। अब टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाए बच्चों, तो टाइम कैलकुलेट करने का बेसिकली जो फार्मूला है इसके लिए, वो आप हीट के कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट से मिल के क्वेश्चन बना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर हीट के और इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट से मिल के बना है, तो हीट जनरेटेड इन टाइम टी इज इक्वल टू I²RT, और I²RT इज नथिंग बट इज द पावर, दैट इज द हीट जनरेटेड, इसको क्यू भी लिख सकते हो आप, और टाइम टी। तो क्या लॉजिक बना टाइम टी निकालने का, हीट जनरेटेड क्यू अपॉन पावर पी, ये हमारा लॉजिक क्रिएट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये लॉजिक है। टाइम टी अगर मुझे हीट जनरेटेड पता चल जाए और पावर से डिवाइड कर दूं, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर निकाल लेते हैं। तो पावर इज इक्वल टू होता है आई वी, आई दिया हुआ है 4 और ये अपना दिया हुआ है वोल्टेज 220 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 880 वाट, दैट इज द पावर। यहाँ से हमें पावर की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, चलो तो व्हाट इज द हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड थर्मल फिजिक्स, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हीट जनरेटेड MC ΔT चेंज इन टेम्परेचर के इक्वल होता है। आई होप आप किए इस इक्वेशन को पढ़े होंगे। जब कभी भी फिजिक्स में हीट दिया जाता है और टेम्परेचर चेंज होने में यूज होता है, तो उसके लिए मैं लगाता हूँ। वेन एवर हीट इज गिवेन टू द बॉडी एंड दैट हीट इज यूज टू चेंज द टेम्परेचर, दैट यूज वी इक्वेशन दिस। ठीक है, तो यहाँ से जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, मास 1 kg और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4, ये दिया रहता है आपको, यू शुड बी ऑलवेज वी नीड टू रिमेंबर दिस 4200, चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और माइनस 20, दैट इज 80, तो ये 4200 और दैट इज 80, तो ये 8 × 16, 8 × 32 और 32 और ये 33, 3603 × 0, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट, इतना जूल हीट हमारा हुआ होगा, इतनी जूल हीट जनरेट हुई होगी, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट। तो अब अमाउंट ऑफ हीट आ गया, ये वाली जो है हीट आ गया यहाँ से हमारे पास, तो अब यहाँ से हीट इतना आ गया, पावर मिल गया, तो यहाँ पर रख देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो चलो यहाँ से हमें टाइम आ जाएगा, तो ये हम SI यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं, तो जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो बेसिकली सेकेंड में आएगा बच्चों। तो टाइम टी की जो वैल्यू आ जाएगी, हीट जनरेटेड 33600 3 × 0 और डिवाइडेड बाई 880, इसको डिवाइड कर लो, देख लो कितना आता है, तो इसको डिवाइड कर लो, देख लो कितना आता है, फाइनली इतना सेकेंड होगा, दिस इज द सेकेंड, ये सेकेंड। तो टाइम टी, तो इसको डिवाइड करने के बाद फाइनली जो आएगा वो 381.81 सेकेंड, तो इतना हमें टाइम आ जाएगा। तो ये जो टाइम है बेसिकली बच्चों, वो सेकेंड में है। ठीक है, सेकेंड में है, तो हमें SI यूनिट में सॉल्व किए ना, तो हमें टाइम मिनट में चाहिए, ऑप्शन में मिनट में दिया है,
तो ये 381.81 और डिवाइडेड बाई 60, तो ये मिनट्स में आ जाएगा। और यह आ जाएगा फाइनली, इसको सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो, देख लो कितना आता है, 6.3 मिनट्स ये टाइम इतना हमें मिल जाएगा। दैट इज 6.3 मिनट, दैट इज हम लोगों का वो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो।